अच्छा, जो उसने वहां 8 बजे कह दिया था, क्या पढ़ते? शेयर स्क्रीन, शेयर कंप्यूटर साउंड, मेरी वीडियो बंद है ना उनकी, आज मैंने शेयर करवाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फातिमा, कैसे हो बेटा? फातिमा आज इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल हैव अ स्मॉल क्विज। तो नजर आ रहा है आपको? जी, कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी योर क्विज? यस मिस, यस मिस। जी ठीक, ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं सारा नजर नहीं आ रहा। जी सारा नजर नहीं आ रहा? यस मिस। अब आ रहा होगा, मैंने स्क्रीन को जरा एनलार्ज किया। मिस फर्स्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं। जी जी हाँ जी, इसी तरह से आएगा आपको, वन बाय वन आता जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करें इसको, फुल ऑप्शंस। जी स्टार्ट करें। द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स आर? मिस फर्स्ट एज, डाइट, लेस ईटिंग। नम जी जी, वेरी गुड। मिस एक मिनट, हाँ मिस फर्स्ट ही है, फर्स्ट ही है, एज, डाइट, लेस ईटिंग। यस फातिमा, बी कॉन्फिडेंट, आपने सोच के आंसर करना है। तो आप अगर सही करते हो तो ना फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। ओके ओके ठीक आंसर किया। ओके द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, अबू अल कासिम अल ज़हरवी वाज अ ग्रेटेस्ट सर्जन, फिजिसिस्ट और मिस सर्जन, सर्जन। वेरी गुड, वेरी गुड। हां मिस सर्जन ही थे, ठीक है पक्का जी। पेरिटोनियम इज अ मेम्ब्रेन लाइनिंग, लाइनिंग द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है जो किसको लाइन करती है, किसके इर्द गिर्द होती है, लंग्स के, गट के या हार्ट के? मिस वो तीन ख्याल से मिस गट के अराउंड होती है। वेरी गुड फातिमा। बेटा काइंडली शो योर स्क्रीन। मिस जी चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया, एमसीक्यूज तो आपके क्लियर हो गए हैं। चले जी, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? अब लिथोट्रिप्सी क्या है इसकी आप मुझे बता दीजिए डेफिनेशन। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? मिस इट इज मिस एबिक मेथड है मिस, वो किडनी स्टोन रिमूव करने के लिए मिस। जी ठीक है, शाबाश। मिस इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर ना मिस मिस वेव्स होती है, नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स होती है मिस, जो मिस बाहर से मिस बॉम्बार्ड की जाती है मिस किडनी स्टोन में, किडनी स्टोन की तरफ मिस, जो किडनी स्टोन को मिस सारा ब्रेकअप कर देती है, और मिस जो स्टोन होता है ना मिस स्टैंड लाइक बन जाते हैं और फिर वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं। वेरी गुड, आज के टेस्ट में तो आपके पूरे मार्क्स आ गए। गुड, मिस सर्विस अवार्ड की तैयारी की थी 6 बजे। वेरी गुड, वेरी गुड, आपके एमसीक्यूज में भी फुल मार्क्स हैं एंड इन शॉर्ट क्वेश्चंस यू आल्सो गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अब फिलहाल सेकंड पार्टिसिपेंट हसान अभी तक नहीं है। अच्छा जी, यस मैम, अभी क्या करें फिर? चलें लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। फिर जब हसान ज्वाइन करेंगे तो फिर वो पहले क्विज अपना क्लियर करेंगे, उसके बाद। फातिमा वैसे आपका मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं काफी देर से, 15 दिन तो हो गए। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज साथ मतलब कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? कुछ आपको फायदा हो रहा है या बस अभी तक ठीक जा रहा है? पहले था हाँ, मिस पहले था कुछ समझ ही नहीं आता था, बुक्स खोलो ना समझ नहीं, कहाँ से शुरू करो कहाँ खत्म करो, अब थोड़ा ना समझ आना शुरू हो गया, थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया। अच्छा यस मिस, ये कैसे होगा?
अच्छा सेकंडली ये बताइए कि जैसे मैं अव्वल तो मैं बहुत कम आपको होमवर्क देती हूँ रिटर्न, लेकिन थोड़ा सा दूँ भी तो उसका भी मुझे कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा होता। इट मींस कि आप जस्ट लर्निंग में इंटरेस्टेड होते हो, रिटर्न वर्क में नहीं, जैसे डायग्राम दे दी या कुछ ऐसे। यस मिस, ऐसे नहीं, लेकिन देखिए रिटर्न वर्क तो मैंने जी मिस आप बोले सर, आपकी आवाज बेटा कट रही है। सब आ रही है? हाँ जी आ रही है जी मिस। जैसे कल भी मैंने आपको डायग्राम दी थी ना ड्रॉ करने के लिए, मैं कहा था आप इससे दोनों सिस्टम्स थे पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमो, तो आप ना आपने मुझे सेंड किया अपना वर्क ना हसान ने, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती जैसे आप लोग होमवर्क करने से आपको बड़ा बर्डन महसूस हो रहा होता। ऐसे है या भूल जाते हो क्या सिस्टम? हम नहीं, थोड़ा बर्डन फील होते ना काम हो जाते। अच्छा नहीं तो रोज तो चार से आपके पीरियड चल रहे होते हैं ना डेली? यस मिस, मिस डायग्राम मैं सबमिट करवा दूंगी, मैंने दो बना ली थी रह गई थी, मतलब कि मैं आफ्टर लेक्चर ना करवा दूंगी। नहीं ये वो तो ठीक है आप, मैं वो तो ठीक है आप करवा तो दोगे, वैसे मैं पूछ रही हूँ, मुझे एक्चुअली ये होता है कि बच्चे कंफर्टेबल होके किसी कैसे सिस्टम में चल सकते हैं, मैं जिस इससे आपसे आइडिया ले रही थी। चलें तो आज वैसे चूंकि वीकेंड है, आई विल सेंड यू नेक्स्ट असाइनमेंट, थोड़ा सा रिटर्न वर्क आएगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक शायद लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये जस्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि आपको रिटन प्रैक्टिस हो जाए, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, हाउ टू राइट। ओके चलें जी स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट दिस इज आवर थर्ड चैप्टर एंड इट्स नेम इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, यू कैन सी द स्क्रीन फातिमा? यस मिस, यस मिस। लेकिन मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आपका आज क्विज बहुत अच्छा था। थैंक यू मिस। अच्छा जी चलें जी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है, चूंकि आप बायो पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल रीड और ऑन बॉडी, हम अपनी बॉडी के बारे में भी रीड करेंगे, प्लस साथ साथ और जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके प्लांट्स हैं और दूसरे स्मॉलर एनिमल्स हैं और लार्जर एनिमल्स हैं उनकी बॉडीज के अंदर भी देखेंगे कि हाउ कोऑर्डिनेशन जो है एंड कंट्रोल जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। कोऑर्डिनेशन का वैसे जो एक वर्बल मीनिंग होता है इसका होता है टू क्रिएट कॉन्टैक्ट, रब्ता कैसे किया जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर हमारे किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है, रब्ता कैसे होता है। Obviously, you can see in the screen, our body is a huge structure. हमारी body जो है वो अच्छा खासा इसमें organs भी मौजूद हैं, इसके अंदर legs हैं, इसके अंदर arms हैं, brain है, eyes हैं, तो इतना कुछ है हमारी body के अंदर और हमारी body बहुत smoothly perform कर रही होती है सारा दिन। आप अपने आप को जैसे notice करो तो आप सारा दिन जो भी काम कर रहे हो तो आप बड़ा स्मूथली करते हो। अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाने का सोचते हो, फिर आप खाना खाते हो, आप उसको प्रॉपरली च्यू करते हैं और डाइजेशन का सिस्टम भी अंदर आपकी बॉडी में हो रहा होता है। साइड बाय साइड आपने कुछ भी सोचा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बड़ा प्रॉपरली उसके मुताबिक आप काम करते हो। अगर आपके हाथ को कुछ गर्म लग जाए तो एकदम से अपना हाथ आप पीछे खींच लेते हो, ऐसे होता है ना? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी या प्लांट्स की बॉडी किस तरीके से बिहेव करेगी अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को देखकर, वो अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेगी और उसके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमारा जो स्टमक है या हमारा जो लिवर है वो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होके काम करे, इंडिविजुअल काम नहीं करेगा बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे।
So they work together, performing their many tasks as need of the whole body. Body के जो जो ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हमारी body जो है वो उसके जितने भी organs हैं वो मिलकर काम करेंगे. और इसको perform करने के लिए जो सबसे important हमारी body का part है, that is our brain. जो हमारा दिमाग है उसके अंदर सारे सिग्नल्स, सारे सेल्स ऐसे मौजूद हैं जो कि फुल कंट्रोल करते हैं. जैसे कोई भी अगर एक इदारा हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट होती है ना, उसी तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन इज द मेन सेंटर. ठीक है, तो ब्रेन जो है वो सारा काम कंट्रोल करता है. अब ये जो स्टार्टिंग पेज है, दिस इज ओनली जस्ट इंट्रो है. अब हम आगे चलते हैं कि नेक्स्ट यहाँ से हमारा प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होगा. हसन इज एब्सेंट आई थिंक टुडे, वैसे वो लेट ही ज्वाइन करते हैं. यस मिस. ठीक है, फिर उनके क्विज में फिर यही होगा कि जीरो मार्क लगेंगे. ओके चलें जी, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन की हम देखते हैं कि टाइप्स कितनी है. कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है फातिमा, कि हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, हाउ दे कम्युनिकेट, वो एक दूसरे के साथ राबता कैसे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर फंक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन. अब इसकी कितनी टाइप्स हैं? देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑल. जी कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक तो है नर्वस कोऑर्डिनेशन. एक तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम मौजूद है और नर्वस सिस्टम हमारी नर्व्स को कंट्रोल करेगा और नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होगा. दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि केमिकल्स पे बेस कर रहा है और केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होगी. जैसे कि आपने 9th क्लास में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि जैसे ही फूड आप देखते ही हो, अगर आप अभी आपने खाया नहीं है लेकिन फूड को देखते ही आपके मुंह में माउथ वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है. इसका मतलब है कि चीज़ों को देखकर आप रिएक्ट कर लेते हो, करते हो ना, तो और केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर. तो दिस इज रिलेटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम. जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बेसिकली केमिकल्स पे बेस करता है. आपकी बॉडी में बहुत से केमिकल्स, बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अब एनिमल्स के अंदर तो ये दोनों सिस्टम्स पाए जाएंगे, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी दोनों सिस्टम मिलेंगे, एनिमल्स में भी दोनों सिस्टम मिलेंगे, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं उनके अंदर आप मतलब आपको लगता है कि प्लांट्स के अंदर कोई दिमाग होगा अलग से, कोई अल्लाह ताला ने इनके अंदर ऐसा ऑर्गन अलग से रखा हुआ है? प्लांट्स के अंदर आपको लीव्स के अलावा, स्टेम के अलावा? नो मिस, नहीं रखा. सॉरी. हाँ जी, नहीं मिस, कोई नहीं रखा. हाँ जी, ब्रांचेस उसमें तो जस्ट नजर आती हैं, आपको लीव्स नजर आते हैं, रूट्स हैं, उसके अंदर अलग से कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है. सो प्लांट्स हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये याद रखिएगा. इट कुड बी गिवन एज एमसीक्यू के प्लांट्स के अंदर कौन सा सिस्टम है केमिकल और नर्वस, तो आपका आंसर होना चाहिए केमिकल, क्योंकि प्लांट्स आपने देखा है कि ना इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है, ना इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर है, कोई अलग से ऑर्गन्स नहीं मौजूद. लेकिन जो हमारी बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है या प्लांट्स एनिमल्स बॉडी है सॉरी, उसके अंदर आप देखो प्रॉपर बॉडी के अंदर हर चीज मौजूद है. आप देख सकते हो ना, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, दिमाग भी अलग से है, आईज हैं, लिप्स हैं, नोज है, कितने सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं. अल्लाह ताला ने हमें बहुत बहुत एक परफेक्ट बॉडी जो है वो दी है और उसी वजह से हमारे सारे जो काम है वो उसी परफेक्शन से हो रहे होते हैं. ठीक है, अब हम इसका जो मेन थीम है हाउ कोऑर्डिनेशन हैपन, तो उसके टोटल कितने स्टेप्स हैं? 5. उसके 5 टोटल स्टेप्स हैं. सबसे पहले कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि हमें स्टिमुलस मिलेगा. स्टिमुलस क्या है? आत्मा पीछे से ऐसे शोर शोर सा क्यों आ रहा है? शोर आ रहे है? पहले नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे हवा सी. चले
चलें कोऑर्डिनेशन एक्शन के ना कोऑर्डिनेटेड एक्शन के टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं या 5 स्टेप्स हैं, यानी कि 5 मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होंगे तो हमारा जो एक एक्शन है ना वो फुली कोऑर्डिनेटेड होगा, आपस में उसके पूरा ताल्लुक होगा। अब उसके 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं जरा इसे रीड करें जहाँ पे मेरा माउस है। रिसेप्टर स्टिमुलस सबसे पहले और फिर रिसेप्टर आगे कोऑर्डिनेटर एफेक्टर और रिस्पांस। वेरी गुड, स्टिमुलस आ गया, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पांस, ये इन 5 स्टेप्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। जैसे लेट्स सपोज ट्रेन आ रही है और आप मतलब आप दूर से देख लेते हो कि ट्रेन आ रही है मुझे इसे पकड़ना है, तो आप अलर्ट हो जाओगे। अब ट्रेन जो है वहां पे वो क्या काम किया ट्रेन ने, स्टिमुलस का काम किया। स्टिमुलस बेसिकली इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज होता है, मतलब ऐसा चेंज जो कि आपको काम करने पे मजबूर करे। अब जैसे ही ट्रेन को देखोगे आप तो आप एकदम अलर्ट हो जाओगे और फिर ट्रेन अलर्ट हो जाएगी, जैसे ट्रेन स्टॉप पर आएगी उस पर स्टेशन पर आएगी तो आप भागना शुरू कर दोगे, यानी कि आप उसकी तरफ जाओगे कि मैं टाइम से इसके अंदर एंटर हो जाऊँ। इसका मतलब है स्टिमुलस जो है वो हमारे रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलस को ले लेते हैं, रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे रिसेप्टर कौन सा है, ट्रेन को देखने वाला रिसेप्टर कौन सा है जिसने ट्रेन को महसूस किया कि ट्रेन आ रही है। रिसेप्टर मतलब वो वाले ऑर्गन्स जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो ट्रेन को हम कैसे महसूस करते हैं कि ट्रेन आ रही है, कैसे पता चलता है हमें कि ट्रेन आई है? रिसेप्टर में आप कौन सा बॉडी ऑर्गन होगा जो कि रिसेप्टर के तौर पे काम करेगा? जैसे ट्रेन आई है तो आपको कैसे पता चलेगा ट्रेन आई है स्टेशन पे, जैसे ट्रेन आती है तो हाउ यू कम टू नो दैट ट्रेन हैव अराइव्ड? मिस माइंड में आता है, लाइक ब्रेन में कि ट्रेन आ गई है। वेरी गुड, आपको माइंड तो बहुत शार्प है फातिमा। आप क्या उसे देखोगे नहीं आई से, ट्रेन जब आ रही होती है तो आप उसे देखते नहीं हो? नहीं देखते हैं आप तो, आईज से पता लगेगा। हाँ आईज से आपको पता चलेगा, कानों से आपको आवाज भी आएगी कि ट्रेन, जैसे ट्रेन आती है तो एक साउंड भी होती है ट्रेन की, होती है ना, तो आपके आईज और आपके ईयर्स दे एक्ट एज रिसेप्टर। तो रिसेप्टर हमारी बॉडी का वो पार्ट है, वो ऑर्गेन है जो कि स्टिमुलस को रिसीव करेगा। ठीक है, ओके मिस, यहाँ तो समझ आई है? बहुत हंस रही हैं आप अपनी बात पे। नहीं मिस, यस मिस आ गई है। अच्छा अच्छा जी, जब रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलस को रिसीव कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कोई चेंज हुआ है इधर उधर बाहर की तरफ कोई चेंज हुआ है, तो वो फिर मैसेजेस कहाँ जाएंगे जो अब यहाँ पर थर्ड स्टेप है। हाँ जी, कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर्स एक्चुअली आर नर्व सेल्स, हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे, रापता करेंगे, किनके साथ रापता करेंगे, उन्हें मैसेज मिल गया ना रिसेप्टर से कि ये चेंज हुआ है, तो कोऑर्डिनेटर जो नर्व सेल्स हैं आपके वो रापता करेंगे इफेक्टर्स के साथ, वो ये मैसेज किन तक पहुंचा देंगे, इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स हमारे वो वाला ऑर्गन है, इफेक्टर वो वाला ऑर्गन है जो कि इफेक्ट करेगा, यानी कि वो आप काम को इनकी करना सोचेगा कि अब ये काम होना चाहिए, तो हम बड़ी तेजी से भाग कर ट्रेन की तरफ जाएंगे, लेग्स के थ्रू फिर हम भागेंगे और हम क्या शो करेंगे, रिस्पांस। एंड पर जो हम काम करेंगे ना वो कहलाएगा रिस्पांस। ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स के थ्रू, इन 5 स्टेप्स के थ्रू हम कोऑर्डिनेट करेंगे और कोई ना कोई जो भी एक्शन करना है वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, लेट सपोज आप किचन में काम कर रहे हो फातिमा और एकदम से आपका हाथ चूल्हे मतलब गर्म किसी चीज को टच कर जाता है, तो अब उसमें थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो टच किया तो आप एकदम क्या करोगे, व्हाट यू डू एट दैट टाइम, एकदम एकदम एक लम्हे में क्या होगा? ऑटोमेटिकली, शाबाश, ऑटोमेटिकली आप अपना हाथ पीछे कर लोगे, इसका मतलब है पीछे हो जाएगा पति, शाबाश, इसका मतलब है गर्म चीज को टच करना। अब ये जो गर्म चीज थी वो क्या था, बेसिकली स्टिमुलस था, है ना? यस मिस। उसको किसने रिसीव किया, आपके हाथ की स्किन ने, आपके आपको पता है ना हमारी स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि महसूस करने की जिनमें हिस होती है, तो हाथ की स्किन ने उसे फील किया
तो वो एक्ट एज ए रिसेप्टर. तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर, वो मैसेज पहुंचाएंगे ब्रेन तक, और ब्रेन फिर मैसेज दोबारा से कन्वे करेगा इफेक्टर्स को, हमारे हाथ के मसल्स को मैसेज देगा कि फौरन से अपना हाथ पीछे खींचें आप. तो इफेक्ट जब ये मैसेज इफेक्टर्स तक पहुंचेगा तो आप एकदम से रिस्पॉन्स करोगे और अपना हाथ पीछे खींच लो. ठीक है, क्लियर हुई है बात आपको? यस मिस जी. अब हम इसको वन बाय वन रीड करते हैं कि व्हाट आर स्टिमुलाई एंड जितने भी फाइव कंपोनेंट्स हैं इसको वन बाय वन हम रीड करेंगे. ये वो आप ही रीड करो तो मैं तो एक्सप्लेन करती जाती हूँ. वैसे तो मैंने समझा दिया कि स्टिमुलस होता क्या है, लेकिन यहाँ पे जरा देख लें लाइन टू लाइन इफ देयर इज सम डिफिकल्ट वर्ड. जी, व्हाट हैपेंड व्हेन वी टच अ स्नेल. स्नेल कौन है? स्नेल क्या चीज? माइट हैव सीन द फ्लावर ऑफ सन. छोटा सा होता है, इंसेक्ट होता है. जी, इंसेक्ट होता है छोटा सा. वो कह रहे हैं कि जब आप स्नेल को टच करो तो क्या होता है. वैसे इन्होंने आपसे क्वेश्चन किया, हम स्नेल को जब टच करते हैं तो स्नेल एकदम से सिकुड़ जाता है ना, डर के ना एकदम सिकुड़ जाता है वो. हेलो, कैन यू हियर मी फातिमा? आई हैव सीन. यस मिस. जी जी, वी माइट I'd have seen the flower of sunflower plant moving toward the sun. Hmm. What could be the reason for all this? Touch, etc. are factors that can bring about certain response in living organisms. These factors are called stimuli. We can define a stimulus as a change in environment, external and internal, which can provoke a response in organisms. More examples of Stimuli are of stimuli are heart, cold, pressure, sound waves, presence of chemical, microbial infection, etc. Microbial infections. अब यहाँ पर जो definition है ना stimuli की, जैसे कि exam paper में आ जाती है, what is stimulus? उसकी example आ जाएगी यहाँ से. We can define stimulus as any change in environment. Environment में कोई भी change आए, वो external environment हो या आपकी body के अंदर कोई change आए, तो और उसकी वजह से आपको प्रवोक का मतलब होता है आपको एकदम कुछ करने का सोचें आप. प्रवोक का मतलब होता है इंड्यूस करना, कुछ सोचना कि अब मुझे ये काम करना चाहिए, ऐसे हो गया तो मुझे ऐसे करना चाहिए. जैसे हाथ गर्म लगा तो आप एकदम सोचते हो कि मुझे हाथ पीछे करना चाहिए. तो जो स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में विच कैन प्रवोक अ रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म. तो इसकी एग्जाम्पल आप ऊपर से भी ले सकते हो कि अगर आप स्टील को टच करो तो उसे क्या होगा, या जो सनफ्लावर आपने देखे किस तरफ हमेशा उसका रुख होता है, जहां जहां सूरज जा रहा होता है ना तो सनफ्लावर वहां पर अपना डायरेक्शन मोड़ लेता है. तो जो अब सनफ्लावर के लिए जो स्टिमुलस है वो क्या है, लाइट है, सूरज की जो रोशनी है वो स्टिमुलस है. इसी तरह स्नेल के लिए जो स्टिमुलस है वो टच है, हमने जैसे उसे टच किया वो एकदम सिकुड़ गया, छुपने की कोशिश करता है. तो स्टिमुलस जो है वो बाहर का या बॉडी के अंदर का ऐसा चेंज जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव करने पे मजबूर हो जाए, अपना एक्शन करने पे मजबूर हो जाए. ठीक है, इसके अलावा हीट भी हो सकता है स्टिमुलस, जैसे गर्म कोई चीज लगे तो हम अपने आप को वो करते हैं, बचाते हैं. कोल्ड, सर्दी की वजह से भी हम अपने आप को बचाते हैं. प्रेशर, साउंड वेव्स, कुछ एकदम बहुत ऊंचा सुनते हैं आप तो आप एकदम रिएक्शन शो करते हो. समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, कहीं पे कोई बड़ी स्मेल आ रही है तो आपके नाक को वो स्मेल बुरी महसूस हो रही है तो जो है आप वहां पर रिस्पॉन्स करते हो, सोचते हो कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, है ना. इसके अलावा कोई ना कि बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन मीन्स बैक्टीरिया, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बियल मीन्स ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाए और आपको दर्द महसूस हो या प्रॉपर फंक्शन ना हो रहा हो उस पार्ट के अंदर, तो तब भी वो जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो एक स्टिमुलस का काम करेगा. और उसके रिस्पांस में आप क्या एक्शन करोगे, कि कोई ना कोई आपका दिमाग सोचेगा मुझे कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और उसके रिस्पांस में फिर हम कोई ना कोई मेडिसिन लेंगे. ठीक है, समझ आई बात आपको कि व्हाट इज स्टिमुलाई. अब आप बताओगे व्हाट इज स्टिमुलाई. किसी चीज को मिस फील करना, लाइक फील करना. आपने भी बताया कि फील करना, जैसा कि आपके
कहीं पेन है तो आप मेडिसिन लोगे, लाइक फील किया तो पता लगे ना. और जो स्टिमुलस है वो एक्चुअली आप आपकी बॉडी को रिस्पांस करने पे मजबूर करता है. स्टिमुलस के बगैर आप एक्शंस नहीं कर सकते. मतलब अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप खाना नहीं खाओगे, ऐसे ही है ना. तो आपके जब आपको खाना खाना होता है तो स्टिमुलस क्या है, भूख का लगना. भूख लगेगी तो खाने को दिल चाहेगा ना, अदरवाइज आप खाना ही नहीं खाओगे, आप एक्शन ही नहीं करोगे कोई. ठीक हो गया. चलें जी, नेक्स्ट आपका आ गया कंपोनेंट, दैट इज रिसेप्टर. अब रिसेप्टर क्या है जी, इसको भी रीड करें आप. रिसेप्टर होता है लेने वाला, रिस्पॉन्स मतलब रिसीव करने वाला. रिसेप्टर रिसीव से निकला, जैसे रिसेप्शन पे नहीं लोग बैठे होते, अक्सर हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो रिसेप्शन रिसेप्शन कौन देगा, अक्सर हम कहते हैं जी रिसेप्शन पे कौन होगा कि कौन रिसीव करेगा लोगों को. अब यहाँ पर वहीं से ये वर्ड है रिसेप्टर्स. हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत से रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि हमारी 5 सेंसेस हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं. जैसे हमारी देखने की सेंस है, सूंघने की सेंस है, और सुनने की सेंस है, टच की सेंस है. तो ये सेंसेस अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं और दीज आर रिसेप्टर्स बेसिकली. जी इसको रीड कीजिए. Stimuli are detected by special organ tissue or cells of body. For example, sound waves are detected by ear, light is detected by eye, chemical in air are detected by nose and so on. The organ tissues or cells which are specially built to detect particular type of stimuli are called receptors. जी देखिए कितना इजी वर्डिंग में उन्होंने कहा है कि रिसेप्टर्स बेसिकली हमारी बॉडी के कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन में जैसे आईज इज अ ऑर्गन, नोज इज अ ऑर्गन, ईयर इज एन ऑर्गन. ठीक है. तो और हमारी जो स्किन है वो भी एक ऑर्गन है. टिश्यूज होते हैं, कुछ टिश्यूज भी हो सकते हैं, जस्ट सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकते हैं, या खाली सेल ऑफ अ बॉडी. बहुत ही कोई छोटा अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसका एक सेल भी जो है ना वो भी एज ए रिसेप्टर काम कर सकता है. और इसके थ्रू हम इर्द गिर्द के माहौल में जो भी चेंज आ रहा है उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और हमारी आंखें देख भी सकती हैं. नोज के थ्रू आप डिटेक्ट कर लेते हो क्योंकि क्या चेंज आ रहा है. ठीक हो गया. नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेटर्स पे. इसको रिपीट करना चाहेंगे आप, रिसेप्टर को? रिसेप्टर को रिपीट. ठीक है चलें. कोऑर्डिनेटर क्या है जी, पढ़िए. जी जी. And the organs that receive information from receptors and send message to particular organs for proper action. In nervous coordination, brain and spinal cord are coordinators. They receive information and send message through neurons in the form of nerve impulse. On the other hand, in chemical coordination, various endocrine glands play the role of coordinators. They receive information in the form of various chemical and send message by secreting particular hormones in blood. जी, अब coordinators हमारी body में कहाँ पाए जाते हैं? अगर तो nervous coordination का system है तो हमारे जो coordinators होंगे वो basically हमारा brain होगा और spinal cord होगा. Brain तो हमें idea ही है कि हमारा ये जो skull है उसके अंदर हमारे दिमाग मौजूद है. जो skull means हमारी जो ये जो खोपड़ी है सर की, उसके अंदर brain मौजूद है. और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है बॉडी में, कुछ आइडिया है आपको? स्पाइनल कॉर्ड जी, कुछ आइडिया है हमारी बॉडी में किस जगह पे पाया जाता है? ब्रेन में. ब्रेन तो बेटा ब्रेन में तो ब्रेन होगा ना, हमारे सर में तो ब्रेन है, सर वाले पार्ट में पूरा ब्रेन मौजूद है. लेकिन जैसे आप जी ब्रेन के, हाँ जी, ब्रेन से पीछे आप अपनी ये पीछे जो गर्दन है, गर्दन पे देखे ना, तो ब्रेन के पीछे गर्दन से नीचे की तरफ पूरी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना उसके अंदर पूरी नर्व्स का एक वो जा रहा है, नेटवर्क जा रहा है, दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड. हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जो मेन पीछे बैकबोन है ना हमारी, उसके अंदर जो गूदा पड़ा हुआ है ना सारा, वो एक्चुअली हमारे ब्रेन से निकले हुए, ब्रेन से निकले हुए सारे नर्व्स हैं, सारे नर्वस सेल्स हैं, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो. ठीक है. इसीलिए तो हमने अक्सर ड्रामास में भी देखा है, रियल लाइफ में भी, अल्लाह रहम करे अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है
और उसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है। अक्सर कहते हैं ना जो उसकी बैकबोन डैमेज हो गई है तो वो बिल्कुल पैरालाइज कर गया, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो सेल्स है ना हमारे नर्व्स, दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड, वो सारी उसके अंदर अल्लाह ताला ने पैक की हुई है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो अगर वो डैमेज हो जाती है इसका मतलब आपके दिमाग तक उसका चला गया इम्पैक्ट, क्योंकि सारे स्पाइनल कॉर्ड वो सारे सेल्स हैं नर्व्स के, दिमाग के सेल्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर उसकी चल रही है पूरी एक सीरीज, तो वो डैमेज अगर हो जाती है तो बॉडी पैरालाइज कर जाती है आपकी, मतलब बॉडी फिर बिल्कुल चलने फिरने के काबिल नहीं रहती और फिर बेड पे आ जाते हैं। तो इसीलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दे आर वेरी डेलिकेट टिश्यूज एंड डेलिकेट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तो दीज आर द कोऑर्डिनेटर्स। अब जब भी कोई आपको बाहर से स्टिमुलस मिलता है और रिसेप्टर उस स्टिमुलस को जब एक्सेप्ट करता है तो मैसेज कहाँ पे जाता है, एकदम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर ऑर्डर पास करते हैं, दिस सेंड मैसेज का मतलब है कि ऑर्डर देते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू ही ऑर्डर जो है ना वो दोबारा से कहाँ पे चला जाता है, इफेक्टर्स तक, किसी ना किसी बॉडी के हिस्से तक जाता है कि अब आप ये काम करो, अब ये हुआ है तो इसके रिस्पॉन्स में ये काम करो। आई बात समझ आपको? यस ठीक है। आप इसको ना थोड़ा सा इजी वे में इस तरह भी ले सकते हो कि जैसे आपके घर का अपना सिस्टम है तो आपके जो मामा और पापा हैं दे आर बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वही घर का सारा सिस्टम संभालते हैं ना, हर काम उनकी मर्जी और उनके कहने के मुताबिक हो रहा है। अब लेट्स सपोज बाहर गेट पर कोई आया है, तो गेट पर कोई आया दैट इज अ स्टिमुलस, तो गेट जो बंदा गेट खोलेगा वो क्या होगा, वो होगा रिसेप्टर, वो उस स्टिमुलस को महसूस करेगा, जारी बात है वो गेट खोलेगा उसे पता चलेगा ना बाहर कोई आया, तो जो गेट खोलेगा वो फिर ये पैगाम ले जाके किसको देगा, आपके मतलब घर में जो बड़ा है, मामा है या पापा है, तो दे एक्ट एज अ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब वो आगे से मैसेज देंगे, ऑर्डर देंगे कि जाए उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दें, ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं वो रिसेप्टर को नेक्स्ट ऑर्डर पास करते हैं कि अब आपको करना क्या है। आई बात समझ? और फिर yes, miss. जी, और फिर जो मैसेज जो है वो जाएगा आगे से इफेक्टर्स को, इफेक्टर्स पर अपना रिस्पांस करेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेटर, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो केमिकली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, they receive information in the form of various chemicals and send messages by secreting particular hormones. जैसे कि आपको मैं example दे सकती हूँ हमारी body के अंदर, जैसे हम food जब खाते हैं digestion जब होती है तो stomach की जो walls हैं वो क्या secrete करती हैं, कुछ याद है 9th class का ये topic था कि जो stomach था उसकी walls के अंदर कुछ glands होते हैं, gastric glands होते हैं, तो वो एकदम secrete होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही हम फूड स्टमक के अंदर जाती है, तो इसका मतलब है कि केमिकली हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है फूड को, है ना, और उसके रिजल्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं इफेक्टर्स पे, इसको रीड कीजिए। These are the parts of body which receive message from coordinators and produce particular response. In nervous coordination, neurons carry message from coordinators, brain and spinal cord to muscles and glands, which are effectors. In chemical coordination, particular hormones carry message from coordinators, endocrine glands to particular target tissues, which act as effectors. For the hormones, जिस हिस्से ने काम करना है ना body का वो कहलाता है इफेक्टर्स, हमारी बॉडी के जिस हिस्से ने काम करना है ना वो कहलाता है इफेक्टर्स, ठीक है। रिस्पांस को चेक करने के बाद जिस बॉडी जिस हिस्से ने रिस्पांस करना है, काम करना है एंड पे, वो इफेक्टर कहलाएगा। अच्छा, अब केमिकल्स में क्या होगा, हार्मोन्स में क्या होगा, फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर, सिमिलरली बोन्स एंड लिवर act as effector for many hormones.
जी अब यहाँ अगर केमिकल्स की बेस पे देखें एंडोक्राइन सिस्टम को अगर आप देखो जिसमें हार्मोन्स अपना हार्मोन्स आर द केमिकल्स एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो बेसिकली फंक्शन हो रहा था हार्मोन्स के थ्रू हो रहा होता है लेकिन जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर फंक्शन कौन कर रहा होता है न्यूरॉन्स ये भी आगे चल के आएगा कि बेसिक सेल का नाम क्या है नर्वस सिस्टम का वो है न्यूरॉन्स एंडोक्राइन के सेल्स जो है वो हार्मोन्स की फॉर्म में केमिकल्स की फॉर्म में काम करते हैं अभी आपने पीछे चैप्टर पढ़ा है ना इसका किडनी का हेलो आत्मा कैन यू हियर मी साउंड बंद हो गया नहीं वो शो तो हो रही है अच्छी हेलो फातिमा हेलो हाँ जी आवाज आ रही है फातिमा जी मिस आ रही है हाँ जी क्या हुआ था एकदम जैसे आवाज बिल्कुल बोली थी अच्छा मैं बोली थी आपको आवाज नहीं आ रही थी ख्याल से लाइक अच्छा उसमें होगा होगा चले चले लास्ट इसका बस पॉइंट रह गया ये अब मैं ऐसा करती हूँ इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको आज का ये जरा थोड़ा सा चैप्टर है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल है इसको पर आराम आराम से करेंगे बेशक मैं रिपीट भी कर दूंगी मंडे को अगर आपको थोड़ा टफ लगेगा इसे ना अच्छा ये डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं अच्छा ये देखें सबसे पहले क्या है हम इसको ये नर्वस कोऑर्डिनेशन की इन्होंने बताई है आपको टेक्निक बताइए हाउ नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म इट्स फंक्शन इनके हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है बॉडी के अंदर सबसे पहले स्टिमुलस है यहाँ से काम स्टार्ट होगा स्टिमुलस अभी हमने देखा क्या चीज है स्टिमुलस आप बताओ कि स्टिमुलस क्या है अभी मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट इज स्टिमुलस यस मिस स्टिमुलस मिस फील करने करना में सबसे पहले लाइक बेटा फील कर हाँ फील करना मतलब ये वो एक्सटर्नल बेसिकली दिस इज एक्सटर्नल चेंज एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज है ये बेसिकली चेंज इन एनवायरनमेंट In the environment. Change in environment. जी इसको कौन फील करेगा सेंस ऑर्गन इसको फील करेंगे ठीक है फीलिंग की बात जो है ना वो स्टिमुलस के साथ नहीं आपने अटैच करनी स्टिमुलस तो वो चेंज है जिसको के फील कौन करेगा रिसेप्टर उसको फील करेगा ठीक है उसको रिसेप्टर फील करेगा रिसेप्टर फिर अपना मैसेज न्यूरोन के थ्रू न्यूरोन इज बेसिकली सेल्स ऑफ ब्रेन नर्वस सिस्टम के जो सेल्स है ना बेसिकली वो उनका नाम क्या है न्यूरोन जैसे हमने किडनी में सेल्स पढ़े थे नेफ्रॉन सारे उसके सेल्स का नाम नेफ्रॉन था तो आप नर्वस सिस्टम में जो सेल्स का नाम होगा वो क्या होगा न्यूरॉन न्यूरॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन अब रिसेप्टर्स जब इसको फील कर लेंगे स्टिमुलस को तो मैसेज किन सेल्स के थ्रू आगे कन्वे होगा न्यूरॉन्स के थ्रू ठीक है ये देखिए आगे की तरफ मैसेज जा रहा है नर्व इम्पल्स जैसे कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं होता नर्व इम्पल्स मीन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में मैसेज आगे जाएगा कहाँ पे जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाया जाएगा कि ये हुआ है ठीक है ये स्टिमुलस रिसीव हो रहा है देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अगेन सेंड मैसेज उसी तरह से मैसेज वापस आएगा नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज आएगा और मैसेज लेके कौन आ रहा होगा न्यूरॉन्स लेके आ रहे होंगे न्यूरॉन्स आर द सेल्स ठीक है काम करने वाले जो सेल्स हैं वो आएंगे मैसेज किन को कन्वे कर देंगे इफेक्टर्स को इफेक्टर्स अब यहाँ पे कौन है हमारी बॉडी के अंदर इफेक्टर्स कौन सी चीजें हैं मसल्स एंड और ग्लैंड्स तो मसल्स अगर मसल्स ने जैसे हाथ को अगर मैसेज मिल गया है तो उसपे मसल्स हैं तो वो एकदम से रिस्पॉन्स करेंगे हाथ पे अपना पीछे कर लेंगे या दौड़कर अगर कहीं पहुंचना है तो वहां दौड़ना शुरू कर देंगी लेग्स तो मसल्स अपना इफेक्ट शो करेंगी ठीक है और वो क्या कहलाएगा रिस्पॉन्स कहलाएगा ठीक है यानी कि स्टिमुलस के रिजल्ट में हम कोई ना कोई रिस्पांस शो करते हैं स्टिमुलस के रिजल्ट में हम कोई ना कोई रिस्पांस शो करते हैं अब आप देखो बजाहिर तो आपका हाथ गर्म चीज को लगा और एकदम से आपने हाथ अपना पीछे खींचा लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये सारे सिग्नल्स अंदर पहले जाएंगे फिर सिग्नल्स पैगाम वापस लेकर आएंगे और फिर हम अपना हाथ अपना खींचेंगे ठीक है बजाहिर लगता है कि एकदम से हमने ये काम किया लेकिन बॉडी के अंदर विद इन अ माइक्रो सेकेंड ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है तो हम अपना हाथ पीछे खींचते हैं
अल्लाह ना करे लेट सपोज हमारे जो नर्व्स हैं और हमारे न्यूरॉन्स हैं और हमारा जो ब्रेन सिस्टम है प्रॉपर अगर काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, गर्म चीज को हाथ टच भी कर जाएगा ना तो हम अपना हाथ पीछे नहीं खींच पाएंगे। आपकी बात समझ आ रही है? इट्स वेरी डेंजरस कि अगर आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो आप किसी भी खतरे को या किसी भी अलार्म को महसूस ही नहीं करते। ऐसे ही है जैसे बॉडी को पैरालाइज हो गया, जिन पेशेंट्स को पैरालाइज होता है उन्हें आप जो मर्जी करते हैं वो हिल ही नहीं पाते अपनी जगह से, होता है ना इस तरह। हाँ, तो पैरालाइज का मतलब है कि ब्रेन का जो है ना काम करना, ब्रेन अपना काम करना और स्पाइनल कॉर्ड अपना काम करना छोड़ चुका होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी का स्पेशल एक, समटाइम्स पूरी बॉडी को पैरालाइज हो जाता है, समटाइम्स किसी एक हिस्से को पैरालाइज हो जाता है फालज, तो उसकी वजह से ब्रेन काम ही नहीं करता और वो हिस्सा बॉडी का रिस्पॉन्स ही नहीं करता किसी भी स्टिमुलस। ठीक है? Yes, yes. बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है ना ये वाला, ये मैं इंशाल्लाह मंडे को आपको करवाऊंगी। आज का जो होमवर्क है, एक तो ये कि आपने जो पिछले डायग्राम्स हैं काइंडली वो भी सेंड कर दें, ताकि आपका जो मैंने वो बनाना होता है ना आपको पता, पूरा चार्ट एक पूरा मेंटेन हो रहा है ग्रेड्स का, फिर उसमें क्या होगा आपका अगर होमवर्क नहीं आता फिर मुझे जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है? सेकेंडली अभी आपको एक मैं थोड़ा सा रिटर्न वर्क भी है वो भी सेंड कर दूंगी, वो भी आप या बताइए आप अगर नहीं करना चाहते। वैसे तो वो असाइनमेंट नंबर 2 के नाम से मैंने बना दी है, पहले जैसे असाइनमेंट नंबर 1 आपने की थी। शॉर्ट क्वेश्चंस है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, एक दो लॉन्ग है, तो मैं बेसिकली चाह रही होती हूँ कि आप किसी ना किसी तरीके से मतलब जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको आप कंप्लीट समझ लो और याद कर लो। आप मुझे बताएं वो रिटर्न वर्क करना चाहते हो कि नहीं, अदरवाइज फिर डायग्राम्स तो आपको मस्ट साथ साथ रखनी है, वो फिर मुझे देना पड़ता है काम, ताकि आप थोड़ा सा तो डायग्राम से दिया करें। चलें ठीक है, आप फिर मैं असाइनमेंट आपको थ्रू नहीं कर रही, वो पिछली डायग्राम्स और आज की ये दोनों डायग्राम्स आप ड्रॉ करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। ठीक है? ओके मिस। चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बच्चा देखो आया।